बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सा हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सागुदाना से हलवा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है सेहत के हवाले से भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा मजेदार होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक घंटे के लिए सागुदाने को भिगो दिया था। तो ये देखे, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो मैंने इसे छान के अच्छी तरह से इसका सारा का सारा पानी ड्रेन कर लिया। अब एक पतीली लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप देसी घी यूज करें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलमंड्स कट करके। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट है तो आप कोई और ड्राई फ्रूट यूज कर ले। हमने रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छा सा रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। बादाम को आपने ज्यादा भी रोस्ट नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और बहुत ही बुरा सा फ्लेवर आएगा हलवे में। बस अब हमने ऐड कर देनी है हरी इलायची, अच्छी तरह से करकरा लेंगे। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो बस अब हम ऐड कर देंगे साबुदाना। साबुदाना को अच्छे तरीके से अब आपने कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, ये आपको खिला खिला सा अभी नजर आ रहा होगा। तो जैसे जैसे ये कुक होना शुरू होगा तो ये आपस में चिपकने लग जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका टेक्सचर चेंज होने लग जाएगा। सागुदाना के बहुत से फायदे हैं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि सागुदाना कितनी ताकतवर चीज है और वो लोग खाते ही नहीं है। अपने गिजा में आप इसको प्रॉपर लेकर आए। गोश्त के अंदर जो गिजाइत होती है वो तमाम गिजाइत सागुदाना के अंदर भी पाई जाती है, यानी कि सागुदाना गोश्त जितना ताकतवर होता है। विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर, हर चीज इसके अंदर है। आपने देखा होगा कि इंडिया में सागुदाना का इस्तेमाल क्यों ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इंडिया में काफी लोग गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए वो सागुदाना का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। शुगर भी हमने 125 ग्राम ही ऐड करनी है, क्योंकि सागुदाना भी मैंने 125 ग्राम ही लिया है, इसलिए शुगर भी मैं इतनी ही ऐड करूंगी। बस अब हम मिक्स करेंगे। जब तक कि शुगर थोड़ी सी मेल्ट होगी तो इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है वो खत्म हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फूड कलर। आपके पास कोई सा भी फूड कलर हो आप उसे ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छी तरह से बस मिक्स करते जाएं ताकि ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त है, ये आपस में मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाटर। वाटर हमने इसलिए ऐड किया है कि ये देखिए अभी व्हाइट व्हाइट से थोड़े थोड़े से कुछ दाने नजर आ रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे जब तक कि बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे साबुदाना के फायदे की। साबुदाना को बाज लोग साबुदाना भी कहते हैं, मुख्तलिफ जबानों में इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लंबी उम्र का राज साबुदाना में है। इसके अलावा हड्डियों की नशुरमा, खून की कमी को दूर करता है, जिल्द को खूबसूरत करता है, हड्डियों को इतना मजबूत करता है कि जल्दी से बुढ़ापा आप पर नहीं आता। तो बहुत से फायदे हैं साबुदाना का, इस्तेमाल आप लाजमी करा करें अपनी डेली रूटीन में। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से जबरदस्त सा हलवा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। ये इतना टेस्टी बना है ना कि जब आप खाएंगे आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। कुछ ज्यादा महंगी भी नहीं है कि आप बना नहीं सकते, हर कोई इसे इजीली बना सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इतनी टेस्टी और हेल्थी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। जो नए मेंबर्स हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी इतनी हौसला अफजाई होगी कि मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छी से अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।